हाय एवरीवन, डैंड्रफ एक बहुत कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन है। मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता दादू, मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आप स्किन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में हम डैंड्रफ के बारे में बात करेंगे। थोड़ा डैंड्रफ होना नॉर्मल है, लेकिन कुछ कारणों से डैंड्रफ बढ़ सकती है, जैसे कि ड्राई स्किन में डैंड्रफ ज़्यादा होती है, ज़्यादा गर्म पानी से सिर धोने से डैंड्रफ बढ़ सकती है, ऑयलिंग ज़्यादा करने से या हेड वॉश फ्रीक्वेंटली ना करने से भी डैंड्रफ बढ़ती है। इसके अलावा अगर आप सही हेयर केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उससे भी आपकी डैंड्रफ बढ़ सकती है। विटामिन बी और जिंक की डेफिशिएंसी से भी डैंड्रफ हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से या कुछ बीमारियां जिनमें आपकी इम्यूनिटी लो हो रही है या कुछ दवाइयां जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक्स और स्ट्रेस से भी डैंड्रफ ट्रिगर हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ग्रीजी डैंड्रफ क्या होती है। कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस या हार्मोनल चेंजेस की वजह से अगर हमारे स्कैल्प में सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो ये फंगस, जिसे हम मेलासीजिया फर्फर कहते हैं, ये हमारे सीबम पे बहुत आसानी से थ्राइव करती है और उसकी वजह से ग्रीजी डैंड्रफ होती है। कुछ होम रेमेडीज से आप अपने डैंड्रफ को कम कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर और पानी को इक्वल क्वांटिटीज में मिलाकर अपने स्कैल्प पे स्प्रे करने से, सर धोने से 1 घंटा पहले नारियल का तेल लगाने से, सर धोने से 5 मिनट पहले अपने स्कैल्प पे लेमन जूस लगाने से, या अपने शैम्पू में कुछ बूंदे टी ट्री ऑयल की मिलाकर उससे शैम्पू करने से आप डैंड्रफ को कम कर सकते हैं। अगर इन होम रेमेडीज से आपकी डैंड्रफ में इम्प्रूवमेंट ना आए तो आप ओवर द काउंटर शैम्पूज जिनमें कीटोकोनाजोल, जिंक पायरेथॉन और सिलिनियम सल्फाइड है, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो तो आप केराटोलिटिक एजेंट्स जैसे कोलटार और सैलिसिलिक एसिड वाले शैम्पूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केराटोलिटिक एजेंट्स आपके स्कैल्प से चिपकी हुई डैंड्रफ को पहले डिसलॉज करेंगे और उसके बाद डैंड्रफ को कम करने में भी आपकी मदद करेंगे। तो याद रखें, इन शैम्पूज का इस्तेमाल आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह पर ही करें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन शैम्पूज का सही इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले तो शैम्पू यूज़ करने से पहले उसकी बॉटल पर लिखे इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि कुछ शैम्पूज सर पे लगाने के कुछ मिनट बाद ही अच्छा असर करते हैं, जबकि कुछ शैम्पूज को आप स्कैल्प पे लगा के इमिजिएटली हेड वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखें कि ये शैम्पूज को आप सिर्फ स्कैल्प पे लगाएं, क्योंकि ये बालों को थोड़ा ड्राई या फ्रिजी कर सकते हैं, इसलिए बालों पर लगाने के लिए आप नॉर्मल शैम्पूज का इस्तेमाल करें और हो सके तो कंडीशनर भी साथ में यूज़ करें, ताकि वो इन शैम्पू से हो रही ड्राइनेस को काउंटर कर सकें। अगर इन रेमेडीज से भी आपकी डैंड्रफ कम नहीं हो रही, या आपको स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ईचिंग या रेडनेस है, या आपको डैंड्रफ जैसे ग्रीजी स्केल्स अपने बाकी बॉडी पार्ट्स पर हैं, जैसे कि आईब्रोज या नोज या चेस्ट, तो हो सकता है कि जो आपका स्कैल्प का डिसऑर्डर है वो डैंड्रफ ना हो। सोरियासिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस और हेयर कलर से एलर्जी भी डैंड्रफ को रिजेंबल कर सकती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे में आप तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। इस वीडियो में मैंने डैंड्रफ से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। डैंड्रफ को कम करने की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।